उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मनोज गौतम के भाई विनोद गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विनोद गौतम के साथ ही उनके दोस्त सचिन की भी हत्या हुई है। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक दोनों कल रात राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेता जयंत चौधरी की जनसभा के बाद निकले थे। कुछ देर बाद दोनों काफिले से लापता हो गए। रात में मोबाइल बंद होने पर परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि आज सुबह दोनों का शव और उनकी स्कॉर्पियो खुर्जा देहात के अग्रवाल फाटक के पास खड़ी मिली। वहीं विनोद और सचिन के साथ एक तीसरा युवक भी था जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच अपने भाई की मौत से आहत प्रत्याशी मनोज गौतम की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच जारी है। यह है उत्तर प्रदेश। सरकार विकास के तमाम दावे कर ले मगर ऐसी घटनाएं प्रदेश की हालत बताने के लिए काफी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखते रहिए डीबी लाइव।